ही सदन था, संचालित हुजरी थी, मौलाए मुत्तकियान मस्जिद कूफा में नमाज अदा कर रहे थे। इसने मुंजर मुरादी ने मौला अली के सर पर शरबत लगाई, अली सजदे से सर उठा रहे थे, इतना मुलजिम अली के सर पर शरबत लगा रहा था, पर मौला का सब दोबारा हो गया। अली खाके मस्जिद उठा उठा कर अपने सब के सर पर भरते जाते थे, फरमाते थे पुस्तो में अब्दुल काबा, अपने काबा की कसम में कामयाब हो गया। ये रोने का दिन है, ये सर पीटने का दिन है। अभी आप सभी ये ताबूत लेके आए, आपका क्या आलम था, जरा सोचिए कि जब सरकार हसनैन अली के दीगर बेटे जनाबे मोहम्मद हनफिया हजरत अब्बास अपने बाबा के साथ साथ आ रहे होंगे तो दिल में क्या गुजर रही होगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा को एक गलीम में लेके चले, अली का सब जख्मी था, गलीम से भी खून टपक रहा था। घर करीब आया, मेरे मौला ने इमाम हसन को बुलाया, बेटा हसन ये आवाजें सुन रहा हूँ, ये तुम्हारी माँ बहने रो रही है। मैं नहीं चाहता कि उनके रोने की आवाज ना महरमों के गानों में जाए। अली ये संचालीस हिजरी का गुफा है, जो चाहे वसीयत कर लीजिए, लेकिन सन 61 हिजरी में यही गुफा होगा। जैनबों में कसूर हाथों में रस्सियां बंधी हुई होगी, सर पर अदा न होगी, दार बदार भिराया जा रहा होगा। बस मजलिस तमाम है, एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, बेटा हसन मुझे इस गलीम से बाहर उतारो। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपने बाबा को उतारा। अली जब घर के बिल्कुल करीब पहुंच गए, एक हाथ इमाम हसन के शाने पर रखा, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के कंधे पर रखा। कहा बाबा वैसे ही चलते, कहा बेटा हसन, बेटा हुसैन जब मैं घर से गया तो मैं अरे मेरी बेटियां जब मुझे इस आलम में देखेगी उनका क्या आलम होगा। आपके सर पर शरबत लगी, आपको ख्याल है कि मेरी बेटियां मुझे इस आलम में देखेगी तो क्या आलम होगा। आए हुसैन की बेटी सकीना, बाबा को सर पर देने जाने बनाना है, बच्ची को खा
صلى الله عليه وسلم.